जालंधर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। जालंधर के श्रीमान हॉस्पिटल पर परिजनों का आरोप है कि मौत होने के बावजूद लाश को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। इसके बाद उन्हें कहा गया कि बताओ अब इलाज करना है या नहीं। यह सुनकर परिजन भड़क उठे और अस्पताल में इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने हंगामा शुरू किया तो पुलिस बुला ली गई, जिसके बाद करीब 5 घंटे परेशान कर उन्हें लाश सौंपी गई। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इन आरोपों को नकारा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस भी कह रही है कि लाश को भर्ती करने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें, न्यू संतोखपुरा की रहने वाली जसप्रीत कौर ने बताया कि उसके पिता बलविंदर सिंह की शनिवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। जगप्रीत कौर मेरे फादर आ। इसका पता उन्हें वहीं चल गया था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ सांस बची हो। वो तुरंत उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां आने पर उनकी नब्ज चेकी हुई, डायग्नोस किया गया, जिसे पता चला कि बलविंदर सिंह की मौत हो चुकी है। जिंदा या मौत पर नहीं दिया गया जवाब, परिजनों के हंगामे के बाद पहुंच गई पुलिस। देखिए जालंधर से ईशान जुनेजा के साथ देवराज की रिपोर्ट। की नाम है जी, की गल हुई जी? गल की हुई, साडा बंदा सवेरे गया काम ते, गड्डी उन्हें स्टार्ट की थी, बैक ला रहा है, उठे उन्होंने अटैक हो गया। डैथ तो उत्थे ही हो गई थी, फिर भी नाल दे चक लिया इतने चैक कराने लई। इन्होंने चैक किया नहीं, सीधा आई सी यू च लै गया। खज्जल खराब की बॉडी दे दी है बिना पोस्टमार्टम। मित्र दोस्त मित्र बहुत ज्यादा पुराने 44 साल तो उम्र 70 साल संतोखपुर मृतक की बॉडी पिछे डेड बिल्कुल नहीं कोई ऐसी बात।